हिमाचल में कर्मचारियों के लंबित डीए और एरियर के मुद्दे पर बवाल मचा है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने इसको लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी बीच गुटों में बंटे हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदीप ठाकुर और त्रिलोक चौहान गुट ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से जेसीसी बुलाने की मांग की गई है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रदर्शन के बाद दोनों कर्मचारी महासंघ गुट की ये मुलाकात काफी अहम थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर थोड़ा वक्त मांगा और मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया है। क्या बोले कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर, सुनिए विस्तार से। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक थी। बैठक के माध्यम से वो कर्मचारी साथियों के जितने भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख सके। उनमें से कुछ समस्याएं जो थी उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर भी दिया। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुख्य हमारी मांगे थी। सबसे पहली मांग हमारी हमेशा यही रहती है कि विभागीय जितने भी पद खाली चल रहे हैं उन सब पदों को जो है वो भरा जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस संबंध में एक तो सेक्रेटरी महोदय को आदेश करे हैं कि इस विषय में जो है वो आगे बढ़ा जाए और एक प्रपोजल तैयार किया जाए। और हमें भी महासंघ को भी ये कहा है कि आप भी अपने स्तर पर जो है एक प्रपोजल तैयार करें और एक महीने के बाद जो हम फिर से बैठक करेंगे। हमारा डीए, हमारा एरियर और वेतन में जो त्रुटियाँ हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें 5-6 महीने का समय चाहिए, लेकिन हमने इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि 5-6 महीने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप सब समझते हैं हमें 1 जनवरी 2023 से जो है वो डीए नहीं मिला है। हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें जो है डीए तुरंत प्रभाव से दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी इसमें मजबूरियाँ भी बताई कि जो हमारा प्रदेश का कोष है उसमें इस समय जो है इस स्थिति में वो नहीं है कि हम जो है डीए आज या कल 1-2 दिन में अनाउंस कर सकें, लेकिन इस विषय में जो है मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 1 महीने के अंदर फिर से हम बैठक करेंगे और आपका डीए जो है हम जल्द देंगे। और हमने ये भी कहा है कि कम से कम जो है दीपावली से पहले हमें किसी भी हाल में जो है वो डीए मिलना चाहिए और 1 महीने के अंदर फिर से हमारी जो है सरकार के साथ बैठक होगी और सरकार के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हम जो है डीए और एरियर जल्द दे सकते हैं, इस विषय में काम किया जाए। वहीं हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के त्रिलोक गुट ने भी मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर मुलाकात की और जेसीसी की बैठक बुलाए जाने की मांग सहित लंबित एरियर और डीए को जारी करने की मांग की। क्या कहना है त्रिलोक चौहान का, सुनिए। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो हमारा मुख्य उद्देश्य मिलने का था वो प्रदेश में 3.25 लाख कर्मचारियों की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बारे चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र के बाद आप मुझसे दोबारा मिलिए, बैठक कीजिए और उसके बाद इसका निर्णय हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों को कहना चाहूँगा कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी। महोदय से कहा, मैं जिस संगठन से आता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश गैर सरकारी कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और 5वीं बार अध्यक्ष हूँ और उस संगठन में लगभग 35,000 कर्मचारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब बातों को जानते हैं, किसे मान्यता मिलनी है किसे ना मिलनी है, जिनके साथ कर्मचारी है मान्यता उनको मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है। मुख्य वित्तीय वित्त से संबंधित मांगे थी, उसमें 2016 का जो एरियर जिसकी देनदारी लंबित है उस पर चर्चा हुई, डीए इंस्टॉलमेंट उस पर चर्चा हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हमारे अनुबंध आधार पर 2022 में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है उनको सरकार ने जो 3/12/2023 को एक अधिसूचना जारी की कि उनके साल में एक बारी नियमित करना है, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आदेश दिए कि ये कर्मचारी साल में 2 बार नियमित होंगे। और एक पे ग्रेड का मसला था, बहुत सारी डिमांडें हमें माननीय मुख्यमंत्री मोदी को दी है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है अगर माननीय मुख्यमंत्री उस बात पर खड़े नहीं उतरते उसके बाद हम अगली रणनीति बनाएंगे, सोचेंगे 3 महीने के बाद, पहले जेएसएससी की बैठक होगी, नीचे ये निश्चित है।
हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।